कैसा लगे ऐसा, मतलब ऐसी बातें, मतलब आपके दिल में आ कैसे जाती है कि हमें ये बात बना लेनी चाहिए, हमें ऐसा अज्यूम कर लेना चाहिए खुद से? उन लोगों से मैं बहुत नाराज हूँ सच्ची, और दूसरों को भी, एक तो खुद भी सोचेंगे दूसरों को भी कहेंगे, मतलब एक बंदा ठीक बैठा होगा उसको कहेगा तुम्हारा कान कुत्ता ले गया, मतलब और वो लोग भी बेचारे इतने मासूम, कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हमारे कान वापस करो अबे। जो मुझसे पूछ लिया करो ठीक है, बाकी मतलब कितने कितने इनोसेंट है, कितने प्यारे लोग हैं, इनका देखो ये सब ब्रेन वॉश करते, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। नहीं नहीं है, मतलब मैं किसी एक को नहीं कह रही, मतलब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हाँ मलरेश फैमिली के बहुत बड़े वेल विशर हैं, लेकिन फिर बीच में ऐसी बातें मत करो ना, झूठ झूठ बोलते फिर बीच में, ऐसी हरकतें मत करो ना, फिर सारी फैमिली को फिर ब्रॉड पे लेके फिर उनको उनका ब्रेन वॉश करेंगे, ओए ऐसे नहीं ऐसा है यार, जैसा है हम लोग बोल देते हैं ना, आप लोगों को और क्या सुनना है, जैसे हमारे से पूछो ना कैसा है, हम हमसे बेहतर कौन जानता है हमें। सो या जो है जैसा है बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है हमारी लाइफ, उसकी अपनी और मेरी अपनी, हाँ दोनों की अपनी अपनी लाइफ, बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सो कुछ भी अपनी तरफ से मत सोचो, कुछ भी अपनी तरफ से मत दूसरों का ब्रेन वॉश करो, कुछ भी मत सोचो अपनी तरफ से, जो होगा हम बता देंगे हाँ प्लीज़। आप हमारे अगले क्या 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 कहते हैं वो नेपाली में क्या बोलते हैं, हमारे अगले वो एयरपोर्ट पे जो हो रहा होता है क्या होता है यार, एक मुश्किल सा वर्ड होता है जो वो बोलते हैं, अपडेट अपडेट नहीं उसको बोलते, क्या बोलते हैं, संदेशे नहीं, इंतजार कीजिए अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, अनाउंसमेंट को क्या बोलते हैं, हाँ जानकारी जानकारी नहीं जानकारी इंफॉर्मेशन, अगली जानकारी, हाँ आप हमारी अगली जानकारी आदेश आदेश को इंतजार कीजिएगा, जो होगा हम बोल देंगे, इतना मुश्किल मत बोलो, इतना मुश्किल मत बोलो, मैं पहले वाला भूल जाऊंगी, मैं इंफॉर्मेशन ही भूल जाऊंगी, पत्रिके पार्टी करिए, पार्टी करिए प्रतिक्रिया, अरे मैंने इसको पता क्या पढ़ा, मैंने इसको पढ़ा पार्टी करिए, ऐलान, हाँ आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए, पार्टी करिए I'm so sorry guys sorry guys, और प्लीज मुझसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं लाइव पे ऐसी कोई हरकत करूंगी यार, कभी भी जिंदगी में, मत एक्सपेक्ट करो मुझसे, ऐसी कोई उम्मीदें मत लगाओ दैट मैं कुछ ऐसा इन फ्यूचर करूंगी, नहीं करूंगी मैं कुछ ऐसा लाइक कैसा यार, लाइक जैसे मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा कोई लड़का देखा है ऐसा, मैं नहीं करूँगी, सो आई वॉन्ट अ प्राइवेट लाइफ, आई वॉन्ट अ सिंपल लाइफ। देखो मैं आप लोगों को अपना सब प्लान बता देती हूँ ठीक है, आप लोगों को जो चाहिए हो ना मुझसे पूछ लिया करो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो जानकारी चाहिए मुझसे पूछ लिया करो ठीक है भाई, मुझे एक सिंपल सी लाइफ चाहिए ठीक है, मुझे सिंपलिसिटी बहुत पसंद है ठीक है, मुझे जो चाहिए था लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है ठीक है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बाकी मेरा क्या है कि मैं एक मिट्टी का घर बना रही हूँ यू नो, मैं गांव में एक मिट्टी का घर बना रही हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि अब भूल चुके हैं लोग गांव में भी अब मिट्टी का घर कोई भी नहीं बनाता, सो मुझे वो वाली पुरानी वाली वाइब चाहिए कि एक मिट्टी का घर हो, उसमें थोड़ी सी मुर्गियाँ हों,
गाय हो, बकरी हो, और वो बर्तन हो, वो स्टील वाले जो पुराने होते थे, स्टील के ग्लास वो हो, और फार्म हाउस. यार फार्म हाउस, आजकल फार्म हाउस बनते ही नहीं, फार्म हाउस की जगह महल बनाते हैं लोग. महल, हाँ, काओ काओ वो तो रखी हुई है, लेकिन वो एक छोटे घर में अलग से हो, ठीक है, उसमें लाइक लकड़ियाँ कुछ रखी हों आग जलाने के लिए, मिट्टी का चूल्हा हो, ठीक है. मैं बहुत पुराने दिमाग की हूँ भाई, मुझे नहीं कुछ चाहिए कि मैं लाइव पे ऐसी कोई हरकत करके लोग इकट्ठे करूँ कि लोग मुझे आके देखेंगे, मैं ऐसा कुछ करूँ, नहीं. मुझे बहुत सिंपल लाइफ चाहिए, ठीक है. सच्ची मेरी शादी भी होगी ना, मैं अपने शोहर को भी उधर लेके जाऊंगी मट्टी के घर में, उसको कहूंगी तो मेरे साथ यहाँ पे खुश रहो, इसमें रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो चला जाएगा अपने घर में, ठीक है. तो भाई मेरा तो ऐसा दिमाग है, मैं तो ऐसी हूँ, ठीक है. मट्टी के बर्तन, मट्टी के बर्तन, मट्टी की हांडी, हाँ मैं तो ऐसी हूँ यार, मेरे साथ कौन ही रहेगा बताओ. ऐसे कोई भी नहीं रह सकता मेरे साथ. मोटिवेशनल डॉक्टर, नहीं मोटिवेशनल नहीं है, आप इसको मोटिवेशन कहो या डीमोटिवेशन कहो, भाई मुझे तो प्राउड फील होता है कि इधर उधर खेत हो, बीच में घर हो, घर पीछे दो कमरे हो, एक बरामदा हो, कच्ची छत हो, बारिश आए तो ऐसा खुशबू आए मिट्टी की. मैं ऐसे थिंकिंग की हूँ यार, मेरी ये सोच है, मैं आप लोगों को सच बता देती हूँ, ठीक है. और अगर मैं किसी दिन सोशल मीडिया से गायब हो गई अचानक से, ऐसे बैठे बैठे अगले दिन मैं लाइव, मेरा लाइव भी नहीं आ रहा, मेरा टिकटॉक भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो आप लोग समझ जाना कि मैं अपने उस मिट्टी के घर में बहुत खुश रहने लग गई हूँ, और मेरे पीछे मुझे ढूंढने मत आना और अफवाह मत फैलाना कि मैं फौत हो चुकी हूँ, ओके, ठीक है. फिर मेरा तो ये है कि मैं एक दिन सोशल मीडिया सब छोड़ के अपने घर में खुश रहूंगी. सो या मुझे मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं फेम 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 बहुत देख लिया, फेम देख लिया, पैसा देख लिया, जो चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, अल्लाह ताला ने सब दिया. अभी एक बिल्कुल सिंपल लाइफ गुजारूंगी, यह है मेरा प्लान, ठीक है. तो बाकी मेरे शोहर पे डिपेंड करता है, वो अगर सोशल मीडिया यूज करे आपको मैं मिल जाऊंगी किसी ना किसी तरह, मतलब फोटोज तो मैं बनवाऊंगी, लाइक ऐसा करके बनवाऊंगी, लेकिन ओ हाँ नहीं मैं बनवा रही हूँ, ठीक है. तो मुझे बहुत शौक है भाई, बहुत शौक है सच्ची, मिट्टी के घर का, बारिश हो, कच्चा सेन, कच्ची किचन, किचन भी लाइक किचन भी छोटी सी होती है बस, ऐसा बर्तन ऊपर रखे हुए होते हैं, ऊपर ऐसा बर्तन रखे हुए होते हैं, मुझे बहुत शौक है, और मेरा बन भी रहा है अभी, बनवा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बाकी मैं थोड़ा तंग आ गई हूँ, झूठ ऐसा कभी अपनी प्राइवेट लाइफ लाइफ कैश नहीं करनी है, जो भी हो सोशल मीडिया यही है ना, लाइक अगर यूट्यूब भी आ रहा है तो यही है ना कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ ही दिखा रहे हो, कुछ लोग बस यही चल रहा है. मैं ना, मैं नहीं करूँगी. ओके जी, तब तक के लिए आई विल विजिट फॉर सम डे, फॉर सी फॉर टी. ओके ओके, टी ज़रूर, आप लोग ज़रूर आइएगा मेरे घर में, मेरे घर होगा छोटा लेकिन दिल हमारा बहुत बड़ा होगा, हम आपको चाय पिलाएंगे, ज़रूर आप आइएगा हमारे घर, ठीक है. हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा घर चाहे छोटा हो, घर चाहे हमारा मिट्टी का हो, दिल हमारा बहुत बड़ा है, मजबूत है, पत्थर का है हमारा दिल. इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग जरूर आइएगा. मेरे गाँव में तो नेट भी नहीं चलता. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच.
और यस हाँ, मैंने आप लोगों को एक और बात बतानी थी, दैट मैंने अपनी गाड़ी चेंज की है. मैंने नई गाड़ी नहीं ली, मैंने अपनी पहले वाली गाड़ी देके नई वाली गाड़ी ले ली है. तो या मैंने अपनी नई गाड़ी ली है, आप लोगों को मैं दिखाना भी चाहूँगी. मेरा ड्रीम था पिछले 9 सालों से कि मैं ये गाड़ी लूँगी, मेरे पापा के पास थी. सो मेरे बहन भाइयों ने हमें दी नहीं वो गाड़ी, वो उनके पास ही है अभी भी. सो मैंने सोचा था एक दिन मैं अपनी गाड़ी लूँगी ऐसी, हाँ जी नहीं दी ना उन लोगों ने. सो या आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर खड़ी हुई तो खड़ी है. सो या दिखा देती हूँ अभी तो बाहर. मेरी गाड़ी है, ठीक है. ओ खड़ी हुई है, ये है मेरी गाड़ी, ठीक है. आप लोग देख सकते हैं. बाकी अभी घर पे थोड़ा काम हो रहा है, सोलर वगैरह लग रहा है. ये मेरी गाड़ी है, नहीं बाकी अभी घर पे थोड़ा काम हो रहा है, सोलर लग रहा है. और थैंक यू सो मच. और घर के थोड़े से काम रहते हैं वो होंगे, फिर शायद मैं बिश्केक चली जाऊँगी. अभी माली काम कर रहा है गार्डन में, सभी काम हो रहे हैं. सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली. पहले वाली गाड़ी दे दी है, थोड़ी पुरानी थी, ये थोड़ी उससे नई है, थोड़ी नई है, इतनी भी नई नहीं है, बिल्कुल नई नहीं है, थोड़ी नई है. कब जाओगे बिश्केक? बिश्केक मैं जा रही हूँ इस मंथ के एंड पे. सो यार सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे, जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया. सबका दीपी की बधाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन. डॉक्टर कोहत भाई दाई, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया. निशा, प्रदीप दाई, टंका दाजू, यांग्या ठांगी, लक्षु दाई, निक नेम, एवरी वन, टैप टैप अलरेश. सो या कुछ अपनी तरफ से कुछ मत सोचा करें, जो बात होगी हम लोगों से पूछ लिया करें. भाई मुझे कुछ आप लोग बोलते हो हाँ तुमने अगर ये करना था तो तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरा जो फ्यूचर है ना, मेरा ये फ्यूचर नहीं है कि लाइक मुझे बहुत सारे फेम चाहिए. फेम नहीं चाहिए भाई, फेम जितना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ. और मुझे कोई लालच नहीं है फेम का कि जो आइंदा के मेरे काम भी आएगा, नहीं भाई मेरे काम नहीं आने वाला है. मैक्सिमम 1-2 साल इतना ही चलेगा ये, उसके बाद मैं गायब हो जाऊँगी. सो यार मुझे कोई फेम का लालच नहीं है कि और ज़्यादा. लोगों का तो होता है कि हाँ अभी इतने हैं तो और ज़्यादा हो जाए. नहीं, कम है, अच्छे हैं, काफ़ी है, मैक्सिमम 1-2 साल है. और आप लोग मुझे देख रहे हो सोशल मीडिया पे, फिर ऐसे ही मैं गायब हो जाऊंगी ना, अपनी लाइफ में खुश रहूंगी. आप लोगों को बहुत मिस करूंगी वैसे. क्या बताऊँ, मेरे शोर को शौक हो सोशल मीडिया का, वो यूज़ करेगा तो आप लोग देख लोगे मुझे. बाकी मैं चलती हूँ अभी, अल्लाह हाफिज़. और मेरी बर्थडे आने वाली है भाई, मेरी बर्थडे आने वाली है, 4 दिन बाद मेरी बर्थडे है, ऑफिशियल बर्थडे, एक ही बर्थडे साल में एक दफ़ा आती है, ये वो वाली बर्थडे है गाइस. सो यार 4 दिन के बाद मेरी बर्थडे है, 20 अगस्त को मेरी बर्थडे होती है. हम लोग सेलिब्रेट कब करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हम 21 को या 19 को, ओके ठीक है, हम 21 को सेलिब्रेट करेंगे या फिर 19 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे. मिस्टर पतलू की भी 20 को है बर्थडे, ओ ओके. मेरी तो 5 दिन, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरी. साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला. र साथै यो भिडियो राम्रो लागेछ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु. र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला. धन्यवाद.